हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। आज जानकारी लेंगे डेक्सोरेन सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में जानकारी लेंगे डेक्सोरेन सिरप के कंपोजिशन, यूज, डोज, प्राइस और साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, डेक्सोरेन सिरप वाडेक्स फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह सिरप 200 ml में आता है, जिसका प्राइस 145 रुपए है। यह मेडिसिन आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेरिक अल्मोनियम सिट्रेट 160 mg, साइनोको बालामीन 7.5 mg, फेलिक एसिड 0.5 mg, अल्कोहल 95% में 0.8 ml ड्रग्स का मिश्रण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेक्सोरेन सिरप के यूज के बारे में। खून की कमी को दूर करने के लिए डेक्सोरेन सिरप का यूज किया जाता है। कमजोरी, थकान, भूख ना लगना, बैठकर उठने पर आंखों के सामने अंधेरा हो जाना, उन कंडीशन में भी डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसका वजन कम है, भूख नहीं लगता है, गाल पिचके हुए हैं, दुबला पतला है, उन कंडीशन में भी डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कमजोरी है, कमजोरी के कारण चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, तभी भी डेक्सोरेन सिरप काफी फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, उन कंडीशन में भी आप डेक्सोरेन सिरप दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत है, शरीर से बहुत सारा खून निकल गया हो, उन कंडीशन में भी खून की पूर्ति के लिए डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में व्यक्ति को खून की कमी हो गया हो तो आप डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सोरेन सिरप का उपयोग गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जो उन्हें मल्टीविटामिन एवं आयरन फोलिक एसिड की पूर्ति करता है। जिन महिलाओं में आयरन की कमी है एवं उनकी पूर्ति के लिए डेक्सोरेन सिरप की सलाह दी जाती है, जो कि फायदेमंद होता है। खून में लाल रक्त कणिकाओं रेड ब्लड प्लेट्स की कमी को पूरा करने के लिए डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है। जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।